फ्रेंड्स, मेरा नाम राशिद अली है और मेरे स्मार्ट टेक कार चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आज फिर से एक नई वीडियो के साथ आया हूँ। काफ़ी दिन हो गए थे कि कोई भी वीडियो मेरी नहीं आ पा रही थी। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरा खुद का अपना एक वर्कशॉप स्टार्ट किया है RSM मोटर्स, जो कि हम लोग भारत बेंज की गाड़ियों का और टाटा का स्पेशलिस्ट काम कर रहे हैं। इसमें साथ ही साथ हम लोग वो काम कर रहे हैं जो एक सर्विस सेंटर में और डीलरशिप में बहुत ज़्यादा चार्जेस देने के बाद, पार्ट्स का रिप्लेस करने के बाद कस्टमर का ज़्यादा कॉस्ट पड़ती है, लेकिन हम उसी काम को बहुत सस्ते पैसों में और अच्छा काम करके दे रहे हैं। लेकिन आज का जो हमारा वीडियो है, वो वीडियो हमारा है एक एडब्लू मीटिंग यूनिट। ये एडब्लू मीटिंग यूनिट जो कि भारत बेंज की गाड़ी में लगता है, जो कि मर्सिडीज़ बेंज के प्लेटफॉर्म इंजन पर ये यूज़ होता है। तो गाइस, मैं आज आपको बताना चाहूँगा कि अगर ये मीटिंग वॉल जो ख़राब होता है, ख़राब होने में क्या ये सही हो सकता है या नहीं हो सकता, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले भारत बेंज के सर्विस सेंटर में आप जाएंगे, वहाँ पे ये रिपेयर नहीं होता है, सीधा नया डालते हैं। इसकी कीमत जो है 50,000 रुपये के आसपास की है, लेकिन हमने इस मीटिंग यूनिट को लगभग 4 से 5 मीटिंग यूनिट रिपेयर करके हमने बहुत कम पैसों में कस्टमर को बहुत कम पैसे में रिपेयर करके और गाड़ियाँ अच्छे से एडब्लू भी कंजप्शन हो रही हैं और प्रॉपर ये काम भी करता है। तो आज का ये वीडियो है कि एडब्लू मीटिंग यूनिट को हमें कैसे रिपेयर करें। साथ ही साथ हम अपनी वर्कशॉप के बारे में आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बहुत दिनों के बाद मेरा वीडियोज आ रहा है। तो ये मीटिंग यूनिट है, यह एडब्लू को एडब्लू सिस्टम के लिए यूज़ किया जाता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, ये डिफ्यूज़र है अपना, ये डिफ्यूज़र हो गया, यहाँ पे एयर प्रेशर सेंसर, इसको बोलते हैं एयर प्रेशर सेंसर। हम इसके बारे में बताएंगे कि इसकी रेजिस्टेंस कैसे चेक करना चाहिए, जब ये ख़राब होता है तो कैसे पता चलेगा कि ये ख़राब ही नहीं है। दूसरा है एडब्लू टेम्परेचर सेंसर, ये है एडब्लू टेम्परेचर सेंसर। और तीसरा है अपना एडब्लू प्रेशर सेंसर, इनकी भी हम रेजिस्टेंस चेक करेंगे कि ये सही है या ख़राब है। साथ ही साथ हम लोग इसका मीटिंग वॉल का सोलेनोइड भी चेक करके बताएंगे कि इसका रेजिस्टेंस कितना आना चाहिए, कितना नहीं आना चाहिए, क्या ये सही है ख़राब है, इसके बारे में हम लोग आपको बताएंगे। साथ ही साथ हम ये बताएंगे कि ये भी सही होने के बाद, ये भी तीनों चीज़ सही होने के बाद हम लोग देखते हैं कि स्टेम्यूलेशन टेस्ट, जिसको बोलते हैं डोजर कराने के बाद एडब्लू नीचे से निकलता है, लेकिन एडब्लू कितना प्रेशर के साथ में, कितना एरोसेल के साथ में बाहर निकल रहा है, इसका जजमेंट हमें नहीं हो पाता है। साथ ही मैं आपको बताऊंगा, भारत बेंज के सर्विस सेंटर में डीलरशिप के अंदर ऐसा बहुत सी बार हुआ है कि एडब्लू यहाँ से अपना डोजिंग करता है पर एडब्लू कंजप्शन नहीं होता। इसका जो सही जो रीज़न है वो हम आपको बताएंगे कि एडब्लू यहाँ से अगर बाहर निकल रहा है, लैपटॉप के द्वारा चेक किया है, एडब्लू अगर यहाँ से बाहर निकल रहा है फिर भी एडब्लू कंजप्शन नहीं हो रहा है तो उसका क्या रीज़न होता है, वो हम आपको बताते हैं। तो अभी आपको ये टेम्परेचर सेंसर मैं बाहर निकलता हूँ, ये आपका एडब्लू प्रेशर सेंसर एंड ईयर प्रेशर सेंसर, राइट। ये तीनों सेंसर्स का हम रेजिस्टेंस चेक करके बताएंगे आपको। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके अंदर जैसे हमने बताया गया एडब्लू यहाँ से बाहर आ रहा है पर एडब्लू गाड़ी कंजप्शन नहीं करे, उसका रीज़न होता है यहाँ पर जो एक फिल्टर दिया होता है इसके अंदर, आप ये देख सकते हैं यहाँ पे एक फ़िल्टर होगा। इसके अंदर जब ये फ़िल्टर ख़राब हो जाता है तो हवा पूरी प्रॉपर तरीके से एडब्लू में मिक्स नहीं हो पाती, तो जिसकी वजह से एडब्लू कंजप्शन नहीं हो पाता है। तो इसका फ़िल्टर एक होता है जिसको हमें निकाल के रिप्लेस करना चाहिए, और दूसरा इसके अंदर एक डिफ्यूज़र होता है, डिफ्यूज़र के अंदर अगर हॉल बंद हो जाता है तो उस कंडीशन में भी एडब्लू कंजप्शन नहीं होता है। तो ये इस मीटिंग यूनिट का सिर्फ इतना ही काम है कि अगर मैं आपको इसके दिखा देता हूँ, तो अभी क्या है कि अभी हम लोग आपको डिफ्यूज़र को चेक कराएंगे कि डिफ्यूज़र को कैसे चेक करना चाहिए कि एडब्लू गाड़ी कंजप्शन नहीं हो रहा है, पर अगर आप लैपटॉप के द्वारा गाड़ी को चेक करते हैं तो उस कंडीशन में आपको एडब्लू तो आते हुए दिखेगा पर आपको ये कंफर्मेशन नहीं मिलती है। गाड़ी चलने के बाद भी कस्टमर बोलता है नहीं भाई एडब्लू नहीं कंजप्शन हुआ, नहीं खाया, तो उसको सही जो रीज़न होता है वो ये होता है। आप बिना लैपटॉप के भी इस डोजिंग नोजल से डोजिंग करा के भी देख सकते हैं, उसका वीडियो हम अपना नेक्स्ट वीडियो जब हमारा आएगा तो हम आपको दिखाएंगे। अभी फिलहाल आपको हम ये दिखाए थे कि किस तरीके से ये, मेरा एक वीडियो और भी मीटिंग डिवाइस के ऊपर है, मीटिंग यूनिट के ऊपर, तो ये भी हमने खोल दिया है। इसको इस तरीके से सारे स्क्रू खुल गए हैं, एक स्क्रू लग गया इधर, ठीक
ये इस तरीके से खुल गया है। यहाँ पे इसको थोड़ा सा टाइट निकलता है, ये यहाँ पे इसको इस तरीके से बाहर की तरफ निकाल दिया है, ठीक है। और ये यहाँ पे ये पूरा हॉल्स फ्री होता है, इसके अंदर यहाँ पे आपका फिल्टर चौक होगा, यहाँ पे आप ईयर मारेंगे इधर ईयर नहीं आएगा। लेकिन ईयर का मारने का तरीका थोड़ा सा पेट्रोल इधर डालना है, पेट्रोल डाल के यहाँ से ईयर मारेंगे, यहाँ से पेट्रोल बाहर आ रहा है तो समझ लीजिए कि ये फिल्टर सही है, नहीं तो ये फिल्टर खराब है, इसको रिप्लेस करना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ ये एक डिफ्यूज़र है और ये डिफ्यूज़र के अंदर एक होल होता है जो कि ये होल खराब है, ये डिफ्यूज़र जो है चौक हुआ हुआ है। ये डिफ्यूज़र चौक होने के रीज़न के जिस ऑटोमोबाइल्स कंपनी में या जिस सर्विस सेंटर के अंदर ये मीटिंग यूनिट नहीं है, ये हमने कस्टमर से लिए, कस्टमर ने हमने पैसों से ये डलवाई थी तो ये हमने कस्टमर से लिए, तो उसके अंदर क्या है कि इसमें क्या था, इसमें डिफ्यूज़र चौक था, डिफ्यूज़र के अंदर आने वाला होल्स इसके अंदर बंद है, सुराख इसके अंदर बंद हुआ पड़ा है, जिसकी वजह से कस्टमर से सर्विस सेंटर वालों ने नई मीटिंग यूनिट को रिप्लेस करने के लिए बोल दिया, नई मीटिंग यूनिट कस्टमर ने लगवा ली है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम सिर्फ इतनी सी प्रॉब्लम है कि इसका एक होल्स होता है और इसको क्लीन करने के बाद ये ओके हो जाएगा। एडब्लू से रिलेटेड कुछ भी आपकी गाड़ी में अगर इश्यूज है तो हम लोग एडब्लू का सिस्टम, अगर आपकी बड़ी गाड़ी है हम लोग 4100 रुपये लेंगे, अगर आपकी छोटी गाड़ी है हम उसको 1700 रुपये में लेंगे, एडब्लू सिस्टम पूरा क्लीन करके देंगे, पूरा एडब्लू डोजिंग सिस्टम को पूरा वर्किंग में करके देंगे हम आपको, कोई शिकायत नहीं रहेगी। 3 महीने की हम लोग उसमें वारंटी भी देंगे, अगर 3 महीने के अंदर उस जो चीज़ हमने रिपेयर की है उसके अंदर कुछ दिक्कत आती है तो हम लोग आपको फ्री करके देंगे। तो साथ ही ये आप मेरे जो वीडियोज़ है ये टेक्निकल टीम्स के लिए, टेक्निकल लोगों के लिए भी है जो उसको एडब्लू के रास्ते में गाड़ी का दिक्कत आती है, जो परेशान होते हैं, जो सॉल्व नहीं हो पाती, तो इसमें खोल से आप यहाँ पे क्या करना, थोड़ा सा ब्रेक ऑयल डाल देना और थोड़ा पेट्रोल डाल के इसको कुछ देर के लिए इस तरीके से हिलाते रहना, हिला के कुछ देर के लिए छोड़ देना, फिर एक हाई प्रेशर एक सुई ले लेना, उस सुई को आप हल्का सा नीचे के अंदर की तरफ डाल देना, जैसे ये सुई हमारे पास अवेलेबल है, इस सुई को आप इसके अंदर डाल देना, ठीक है, ऐसे करके बस डाल के छोड़ देना। देन उसके बाद यहाँ पर पेट्रोल और ब्रेक ऑयल आप डाल सकते हैं, हिलाते रहना, इसके बाद कुछ देर के लिए छोड़ देना इसको, इसी कंडीशन में ऐसे रख के छोड़ देना, उसके बाद हाई प्रेशर एयर प्रेशर इसमें लगाना, देन उसके बाद ये क्लीन हो जाएगी। सिर्फ इतनी सी प्रॉब्लम थी इसके अंदर जो कि कस्टमर का 50,000 रुपये का नुकसान हुआ है इस प्रॉब्लम की वजह से, सिर्फ इतनी सी। तो अभी क्या है, मैंने सिर्फ आपको बताया है कि डिफ्यूज़र को यहाँ से क्लीन, अभी डिफ्यूज़र चौक है, इसके अंदर पेट्रोल डाल के क्लीन हो जाएगा, इसमें एक होल होता है, सुराग होता है इसके अंदर आर से पार वाला, वो आपको दिखेगा। लेकिन अभी हम लोग वीडियो लंबी हो सकती है इसलिए हम लोग इसको शॉर्ट में बना रहे हैं। तो साथ ही साथ अभी हम लोग इसको फिट कर देते हैं, इसको फिट करते हैं, इस तरीके से कर देते हैं इसको वापस, इसी तरीके से हम लोग ये इसका डमी होता है, इसको हमने वापस इस तरीके से लगा दिया है, देन हम इसको कस देंगे इसमें स्टॉप। अभी हम लोगों ने इसको टाइट कर दिया है और प्लीज़ सेफ्टी से काम कीजिए, ये तो मैं भी आपको वीडियो दिखाने के लिए काम कर रहा हूँ, कुछ चोट वोट ना लगे, आपको सेफ्टी का ध्यान दीजिए। ये भी हमने फिट कर दिया है इसका ईयर का जो लाइन है, साथ ही साथ अभी हम ये आपने मैंने बताया था एयर प्रेशर टेम्परेचर सेंसर यहाँ लगेगा, एडब्लू टेम्परेचर सेंसर यहाँ लगेगा और एडब्लू प्रेशर सेंसर यहाँ लगेगा। जैसे कि अभी देख रहे हैं यहाँ पे, ये आपको दिख रहा है ये बिल्कुल ब्लॉक हुआ पड़ा है चौक, यहाँ पर ये देख रहे हैं ये चौक हुआ है काफ़ी पूरे तरीके से बुरी हालत हुई पड़ी है इसकी। ये आपको गर्म पानी से, आप यहाँ से गर्म पानी डालेंगे, इधर गर्म पानी डाल के इसको क्लीन करना है, ये पूरा क्लीन हो जाएगा ओके। उसके बाद देना आप एडब्लू सिमुलेशन टेस्ट करके देख सकते हैं, ये बिल्कुल फर्स्ट क्लास काम करेगी, ठीक है। तो साथ ही साथ अभी हम लोग एडब्लू को यहाँ रखते हैं, एडब्लू टेम्परेचर सेंसर ये, एडब्लू प्रेशर ये हो गया और एडब्लू का ये हो गया। अभी हम लोग क्या करते हैं, इसका रेजिस्टेंस वैल्यू को चेक करने के लिए क्या करना है, हमें इस डायरेक्शन पर रखना है, मतलब ये देख रहे हैं ये स्क्वायर में इधर रखना है, और अभी मल्टीमीटर इधर देख रहे हैं, मल्टीमीटर में हमें 20K पे यूज़ करना है, 20K पे। उसके बाद रेड वाली जो अपनी लाइव होगी, रेड वाली आपको फर्स्ट वाली पिन पे लगाना है इधर, ठीक है। देन उसके बाद उसके बराबर वाली पिन पे लगाएंगे, रेजिस्टेंस कितना आ रहा है यहाँ पे 14.11, ठीक है। देन उसके बाद हमें क्या करना है,
जहाँ पे हमारी रेड वाली लगी हुई थी वहाँ पर रेड वाली लगी रहने देना, और ब्लैक वाली इसको आगे की तरफ आपको लगाना है। तो यहाँ पे कितना है 2.12 यानी कि 2K ohms में ये है, यानी कि ये सेंसर सही है। तो आप इस सेंसर को हम लोग एड ब्लू प्रेशर वाले पोर्ट में हम लोग इसको लगा देंगे। एड ब्लू वाले प्रेशर वाले पोर्ट में इसमें अपना 2 ohms के ऊपर रेजिस्टेंस आना चाहिए, 2 kilo ohms के ऊपर रेजिस्टेंस आना चाहिए। तो यहाँ देख लीजिए 2 किलो ohms के ऊपर रेजिस्टेंस आ रही है इसके अंदर। जैसे जैसे गर्म होता रहता है वैसे वैसे रेजिस्टेंस घटती रहती है इसके अंदर। तो कितना 2.74 रेजिस्टेंस इसके अंदर आ रही है। तो ये एड्रू टेम्परेचर सेंसर है। ये क्यों दिया है, किसने दिया है, ये हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो लॉन्ग भी हो जाएगी। अब ये है एड्रू ईयर प्रेशर सेंसर। ये ईयर प्रेशर सेंसर में ये सिर्फ चेंजेस होता है। आपने देखा होगा एड्रू प्रेशर सेंसर में यहाँ पे एक लूप्स लगी होगी, लेकिन इसमें चेंजेस है। तो इसको भी कंडीशन, इसको भी डायरेक्शन यही है, आप यहाँ से करके, और इसका भी सेम रेजिस्टेंस, दोनों का रेजिस्टेंस सेम ही आएगा, ठीक है, 14.5 और देन 2.12, यानी कि दोनों का रेजिस्टेंस एड्रू प्रेशर सेंसर एंड ईयर प्रेशर सेंसर का दोनों का सेम ही रेजिस्टेंस वैल्यूज आएगी। अगर ये रेजिस्टेंस वैल्यूज नहीं आ रही है तो समझ लीजिए ये सेंसर खराब है। लेकिन जब ईयर प्रेशर सेंसर खराब होगा तो आपको जो एरर कोड मिलेगा वो ईयर प्रेशर लिमिटिंग वाल्व के नाम से आएगा, ईयर कंप्रेस लाइन के नाम से आपको एरर कोड शो करेगा। उस कंडीशन में आप जो है बार बार एयर प्रेशर लिमिटिंग वाल्व को चेंज करेंगे, वायरिंग चेक करेंगे, पर वहाँ एयर प्रेशर लिमिटिंग वाल्व को, वायरिंग को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। सीधा आप इसे जाओ, इस सेंसर्स को आप रिप्लेस कर दो, रिप्लेस करके आपका प्रॉब्लम रिजोल्व हो जाएगा। तो ये जो थी मेरा एड्रू मीटरिंग यूनिट के ऊपर मेरा एक वीडियो था। अब ये किस तरीके से हम लोग बिना लैपटॉप के गाड़ी को कैसे चेक करें, प्रेशर वैल्यूज कैसे पता करें, तो ये हमारे नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप लिख के भेजिए, अगर कुछ आपको डाउट्स है, कुछ आपको पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए।